इंदौर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने सोमवार को बड़ा गणपति मार्ग का दौरा किया। सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए नगर निगम के द्वारा जो निशान लगाए गए हैं उन्हें देखा तथा जिन लोगों के निर्माण टूट रहे हैं उनसे सीधी बात की। विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि इंदौर नगर निगम के द्वारा दो वर्ष पूर्व 2019 में इस सड़क के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया था। उस समय सड़क के चौड़ीकरण के लिए नपती करने का काम कर लिया गया था। इसके बाद सड़क का निर्माण शुरू होना था, लेकिन नगर निगम के द्वारा इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब अचानक ही एक बार फिर नगर निगम को इस सड़क की याद आ गई है। पिछले कुछ दिनों से निगम के अधिकारियों के द्वारा इस सड़क पर दौरा करते हुए सेंट्रल लाइन से नपती कर लोगों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ के लिए निशान लगाने का काम किया गया है। मैं इंदौर के कमिश्नर और आदरणीय इंदौर की महापौर मालिनी गोड़ जी और हम सब ने मिलकर यहाँ दौरा किया था। उस टाइम लोगों की ये थी 80 फीट नहीं हम तोड़ेंगे, हम 60 फीट तोड़ेंगे, तो उसमें लोग राजी हो गए थे। देखिए अभी मेडिकल दुकान में गए, उन्होंने एक साथ पहले ही तोड़ लिया था और आज दुकान पीछे हो गई है। परंतु अभी क्या गणेश उत्सव का त्यौहार चल रहा है, त्यौहार आने वाले हैं, दीपावली त्यौहार, दशहरा, नवरात्रि आने वाले हैं, तो सब लोगों से इतनी सी मांग है कि आप हम तोड़ने को तैयार है, परंतु थोड़ा हमको टाइम मिल जाए और त्यौहार निकल जाए। वो उन लोगों के ना जैसा लोहार पट्टी या बोले जो थोड़ा बड़वानी तो तरफ तो थोड़ा था, चार साल में रोड बना था, वैसा नहीं हो। रोड बने तो एक साथ तत्काल 3 महीने में पूरा रोड बन जाना चाहिए। जितना काम चालू करें उतना रोड बनाए, बाकी ना खोदें, ये लोगों की मांग है। उसके अलावा मैं आगे जा रहा हूँ, कुछ लोगों की ये डिमांड है कि वो गलत सलत निशान लग गए, तो उसके लिए भी नगर निगम की टीम है मेरे साथ में, जहाँ गलत होगा तो हम उसको ठीक करेंगे, कार्रवाई कराएंगे। कई लोग सुविधा भी हटा रहे हैं। उसके अलावा नगर निगम द्वारा ये भी यहाँ सुविधा दी गई, जो मकान अपना आप हटाना चाहते हैं उनसे जेसीबी या उनका मलबा हटाना हो या कुछ भी करना हो तो नगर निगम द्वारा वो तैयारी आदि कमिश्नर से मेरी बात हुई थी सबने, उन्होंने बताया मेरे को कि सर जो मकान अपने हाथ से तोड़ रहे हो तो उनका मलबा हटाना हो या उनको तोड़ने में कुछ व्यवस्था करानी हो तो हम करने को तैयार है। उसके अलावा जब कार्रवाई होगी तो हम चाहते हैं ये दीपावली की बात कार्रवाई हो। अभी यहाँ के लोग पहले संतुष्ट थे, आप देखा पहले भी हमने एक बार कमिश्नर साहब, मेयर साहब, हम सब ने उनको दौरा किया था, वो इससे क्योंकि पहले 80 फीट का वहाँ से प्लान रोड था, ये हमने 60 फीट कर दिया, तो क्योंकि वो भी चाहते हैं कि रोड इंदौर शहर स्वच्छ बने और साफ सुथरा, ट्रैफिक बहुत जाम होता है, तो वो भी लोग तैयार हैं। आप देखें लगातार लोग तोड़ रहे हैं, परंतु जिन लोगों की आपत्ति या कुछ है तो मैं देखने आ रहा हूँ, कोई लोग किराएदार है, कोई मकान मालिक है, किसी कोर्ट का स्टे है, वो हम देख के इसमें क्या कार्रवाई हो रही वो आज देखेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे क्या करना है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सभी लोग एकजुट हैं और जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो इसको लेकर खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। जी हम भी तो चाहते हो कल से रोड का काम चालू जल्दी से जल्दी हो जाए, जितने जल्दी काम चालू होगा उतने जल्दी आगे की सुविधाएं मिलेंगी। मैं तो चाहती हूँ जितने जल्दी भी हो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है जल्दी जल्दी चालू होना चाहिए, उससे आगे की सुविधाएं जल्दी मिलना चालू हो जाएंगी। जितना काम लेट होगा उतना हम लोगों को दिक्कत आएगी। सहमत है आप? हम तो सहमत हैं, कल से ही आप काम चालू करो, हम तो बिल्कुल सहमत हैं। 18 महीने पहले हमारे यहाँ निशान लगे, हमने दुकान पीछे कर ली। जब भी हाँ आप जब भी चाहें काम चालू कर सकते हैं, हम तैयार हैं 60 फीट के लिए। ये 80 नहीं, ये 60 ही मास्टर प्लान के अनुसार। लोग कुछ भी बहुत अफवाहें उड़ाते रहे उससे कोई मतलब नहीं, और जो जो कुछ भी हो रहा है कोरोना काल के कारण या किसी भी वजह से, आदमी सोचता है जितनी जल्दी जो भी निर्णय करना है। आज 2 साल से आदमी पेंडिंग में पड़ा हुआ कि आज तोड़ूँ नहीं तोड़ूँ, आज तोड़ूँ नहीं तोड़ूँ, कल 10-10 बार यहाँ आ गए हैं, तो लोगों में एक दिग्भ्रम की जो स्थिति थी, मैं कहता हूँ कि बहुत व्यवस्थित रूप से ये टूट जाए और शीघ्र ही इस पर व्यापार चालू हो जाए तो वो सबसे बढ़िया बात है क्षेत्र की। ये त्यौहार 2-2 बार आ चुके हैं, हर बार त्यौहार के अगर कारण में अगर लेते रहेंगे, कमालिए ने 2 दिवाली निकाल दी, तुमने 2 त्यौहार सब तरह के निकाल दिए ना। अब ये त्यौहार हिंदुस्तान में 365 से ज़्यादा आते हैं, एक दिन में 2-2 त्यौहार आ जाते हैं, उन त्यौहारों को अगर अपन देखते रहेंगे तो ये समस्या निपटेगी। आपको ये ठीक लग रहा है? ये बहुत व्यवस्थित काम हो रहा है और शीघ्र ही हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को कुछ 10-5% जिनको कुछ लगता है कि कुछ हो जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोड़े अटका रहे हैं वो किराएदार लोग अटका रहे हैं। बाकी हर मकान मालिक चाहता है कि ये व्यवस्थित हो जाए, वो मेरे को आगे क्या व्यापार करना है इसकी सूझबूझ पड़ जाए। आज जिन लोगों जिन क्षेत्रों को तोड़ा है आज वहाँ करीब करीब सारे लोग व्यवस्थित होकर और उनके धंधे ज़्यादा वापस उसी स्पीड से चलने लग गए। आप देखिए गणेशगंज में थोड़ा सा कितना विरोध हुआ था, यहाँ से ज़्यादा विरोध हुआ था, उसके बाद भी अब आप वहाँ जाके देखो तो सब लोग खुश हैं, उनके सारे व्यापार चलने लग गए। अपना नाम बता दीजिए। शिव गुप्ता, वार्ड क्रमांक। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।